लखनऊ में जन्माष्टमी के दिन अखिलेश यादव पत्नी डिंपल के साथ रामनामी में नजर आए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करते दिखे। लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में पूजा करने के बाद दोनों रामनामी पटका गले में डालकर मंदिर से बाहर आए। एक बार फिर अखिलेश यादव ने इटावा में विष्णु मंदिर बनवाने का अपना संकल्प दोहराया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब बांटने वाली राजनीति का दौर नहीं चलने वाला। अखिलेश ने जमकर धार्मिक बातें की और खुद को राम भक्त और कृष्ण भक्त होने का दावा भी किया।